हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 15 जुलाई और देख लेते हैं आज के झारखंड के सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को। मुख्यमंत्री ने दिया स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा करते हुए सभी प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक और प्लस टू स्कूलों रिक्त शिक्षकों के 29,810 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। कहा गया है कि 3120 प्लस टू शिक्षकों, 690 प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति का प्रस्ताव JSSC को भेज दिया गया है। JSSC ने प्रस्ताव को जारी कर दिया है। माध्यमिक विद्यालयों, मॉडल स्कूलों और अन्य श्रेणियों के विद्यालयों के लिए भी शिक्षक एवं प्रयोगशाला सहायक के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। वहीं सहायक आचार्य के 26,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी। CM ने कहा कि विद्यार्थियों को पढ़ने का बेहतर माहौल मिले, इसके लिए जिलों में रीडिंग रूम की व्यवस्था सुनिश्चित करें। यहां सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ वाईफाई की भी व्यवस्था होनी चाहिए। CM ने कहा कि विद्यार्थियों को पठन पाठन से संबंधित सामग्री और यूनिफॉर्म सत्र शुरू होने के समय ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिस तरह एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जाता है, उसी तरह इसका भी कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए। इसमें बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री, यूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति राशि और अन्य योजनाओं का लाभ देने की समय सीमा तय होनी चाहिए। आगे देखते हैं। CM से मिले राजेश अदानी, झारखंड को जल्द मिलेगी 400 मेगावाट बिजली। CM हेमंत सोरेन से शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में अडानी ग्रुप के MD राजेश अदानी ने मुलाकात की। अदानी ग्रुप द्वारा स्थापित गुड्डा पावर प्लांट से MOU की शर्तों के अनुसार 400 मेगावाट बिजली राज्य सरकार को उपलब्ध कराने का पर चर्चा की गई। उक्त बिजली को सस्ती दर पर उपलब्ध कराने की दिशा में शीघ्र पहल करने पर जोर दिया गया। CM ने MD से कहा कि पावर प्लांट के उपयोग के लिए गंगा नदी का पानी पाइपलाइन के जरिए जिस क्षेत्र से होकर लाया जा रहा है, उस क्षेत्र में सिंचाई के लिए भी पानी देने की कार्ययोजना कंपनी बनाए। इस पर कंपनी ने सहमति दी। तो CM से मिले राजेश अडानी, झारखंड को जल्द मिलेगी 400 मेगावाट बिजली, इस पर हुआ सहमति। अब आगे देखते हैं, सिंचाई के लिए भी पानी दिया जाएगा, है ना, तो बिजली के साथ साथ और, तो इस पर बात हुई। आगे देखते हैं। HEC में निर्मित लॉन्चिंग पैड से हुआ सफल प्रक्षेपण, कर्मचारियों ने काटा केक। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर HEC में जश्न। श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लॉन्च होने पर शुक्रवार को HEC कर्मियों ने केक काटकर जश्न मनाया। इस दौरान अधिकारियों ने कर्मियों से HEC की ओर से बनाए गए लॉन्चिंग पैड व अन्य उपकरणों की कहानी साझा की। अधिकारियों ने कहा कि HEC द्वारा निर्मित लॉन्चिंग पैड से चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2005-06 में पूर्व राष्ट्रपति APJ कलाम लॉन्चिंग पैड बनाने की दिशा में कार्य कर रहे थे। उसी समय जर्मनी और अमेरिका के दौरे में वहां के कुछ वैज्ञानिकों ने HEC का नाम सुझाया। वर्ष 2008 में उन्होंने HEC का दौरा किया और HEC की कार्य क्षमता और तकनीकी कुशलता पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा था कि HEC दोबारा इस देश में नहीं बन सकता, इसलिए HEC को हर हाल में देश की धरोहर मानते हुए इसको बचाने और निरंतर चलाने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद HEC को इसरो से मोबाइल लॉन्चिंग पैड का कार्यदेश मिला। HEC ने MCVRS हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग डोर HRD मोबाइल लॉन्चिंग पेस्टल और हैमर हेड टावर क्रेन आदि का सफलतापूर्वक निर्माण किया।
प्रक्षेपण के समय सभी ने सफल लैंडिंग की कामना की। मौके पर राम जन्म प्रसाद, सतीश कुमार, मिथिलेश प्रसाद, एम अहमद, जे जनार्दन आदि मौजूद थे। इसरो ने देश का मान बढ़ाया, हेमंत सोरेन ने कहा। भारत अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की राह पर, मरांडी ने चंद्रयान की सफलता लॉन्चिंग गर्व का क्षण है, बंधु ने। तो जश्न मनाते हैं चीसी के अधिकारी व कर्मचारी। आगे देख, घूस ले रहा पंचायत सचिव गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को भंडरा प्रखंड की बाड़ागाई पंचायत के जनसेवक सह पंचायत सचिव रविंद्र साहू को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वह बैंक ऑफ इंडिया की चट्टी स्थित शाखा के समीप पूर्व उप मुखिया विकास गिरी से घूस के 16,500 रुपये ले रहा था। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम उसे अपने साथ रांची ले गई। बड़ागाई पंचायत में हल्दी बगीचा से नदी शमशान तक पीसीसी पथ निर्माण किया जा रहा था। इस योजना की लागत राशि 2,48,248 रुपये थी। पंचायत का जनसेवक सह पंचायत सचिव रविंद्र साहू उक्त राशि के भुगतान में आनाकानी कर रहा था। बाद में उसने योजना की लागत राशि के 5% के हिसाब से 16,500 रुपये रिश्वत की मांग की। विकासगिरी और पूर्व जिला 20 सूत्री सदस्य छेदी राम ने एसीबी से इसकी शिकायत कर दी। एसीबी ने जांच के बाद मामला सत्य पाया। इसके बाद आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। विकास गिरी ने पंचायत सचिव को चट्टी स्थित रिश्वत देने बुलाया। जैसे ही विकास के पंचायत सचिव को दिया, एसीबी की टीम ने उसे पकड़ लिया। मौके पर ही पंचायत सचिव के हाथ धुलाए गए, जिससे रिश्वत लेने की पुष्टि हुई। भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो की जमशेदपुर टीम ने शुक्रवार को ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल कार्यपालक अभियंता कार्यालय चैबासा के लेखापाल भवतरण सिंह इनको कार्यालय में 50,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। इस तरह से दो मामले सामने आए हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार के। आगे देखते हैं, बिना चलान पत्थर ढुलाई करने वाली कंपनियों पर लगा 123 करोड़ का जुर्माना। रेलवे ने बुकिंग पर पाबंदी लगाई। साहेबगंज के जिला खनन पदाधिकारी ने बिना माइनिंग चालान के ही 623 रेल रैक के सहारे स्टोन चिप्स दूसरे राज्य में भेजने वाली 22 कंपनियों पर 123.26 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ईडी द्वारा बिना माइनिंग चालान के ही रेल रैक के सहारे स्टोन चिप्स की ढुलाई का मामला उजागर किए जाने के बाद जिला खनन पदाधिकारी ने यह कार्रवाई की है। इस प्रशासनिक कार्रवाई के मद्देनज़र रेलवे ने भी उन कंपनियों द्वारा रेल बुक करने पर पाबंदी लगा दी है जिन्होंने माइनिंग चालान सहित अन्य दस्तावेज के बिना ही स्टोन चिप्स की ढुलाई रेल से की है। आवश्यक दस्तावेज रेलवे को उपलब्ध कराने तक इन कंपनियों पर यह प्रतिबंध जारी रहेगा। ईडी ने साहेबगंज में अवैध खनन के साथ ही रैक से स्टोन चिप्स की ढुलाई की जांच की। इसमें पाया गया कि सिर्फ 2 साल में 6,492 रैक स्टोन चिप्स दूसरे राज्यों में भेजे गए थे। इसमें से 2,961 रैक से ही की गई ढुलाई में माइनिंग चालान सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया था। 3,531 रैक स्टोन चिप्स की ढुलाई बिना माइनिंग चालान के ही की गई थी। ईडी ने इससे संबंधित रिपोर्ट पीएमएलए कोर्ट को सौंपी है। ईडी की इस जांच रिपोर्ट में इसका पर्दाफाश किए जाने के बाद खान विभाग हरकत में आया और जिला खनन पदाधिकारी ने इस सिलसिले में कार्रवाई की। आगे देखते हैं,
तो ये था आज का हमारा न्यूज़ सेशन। आई होप सारे न्यूज़ आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो हमारा दो न्यूज़ सेशन आता है, एक मॉर्निंग में आता है, एक शाम में आता है, जिसमें मैं दिन भर के झारखंड के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करता हूँ। शाम वाले को मैं संध्या न्यूज़ के नाम से मैं उसे डिस्कस करता हूँ। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक झारखंड के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ पहुँच सके और हमारा चैनल का जो 1K का टारगेट है उसको अचीव कराने में अपना सहयोग करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ठीक है। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।